गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 12th एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नए प्रकार के वीडियो उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था एग्रीकल्चर साइंस लेसन नंबर 8, प्रोपोगेशन प्रवर्धन। प्रवर्धन का मतलब होता है पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी करना, और पौधों में सतत बढ़ोतरी करने की दो मेथड है। वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन के फलस्वरूप पादपों में है वो बीजों का निर्माण होता है, और बीज के द्वारा अपन पौधे को प्रवर्धित कर सकते हैं। दूसरी मेथड है अलैंगिक प्रवर्धन, और अलैंगिक प्रवर्धन में अपन पादप का कायिक भाग लेते हैं, यानी कि वानस्पतिक भाग लेते हैं, जिसमें जड़ हो सकती है, पत्ती, तना या इसकी कलिका, यानी कि पादप के किसी भी कायिक भाग को लेकर के नया पौधा प्रवर्धित करना अलैंगिक प्रवर्धन की विधि के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत अपन ने कलम से नए पौधे किस प्रकार से प्रवर्धित किए जाते हैं और दाब कलम विधि के माध्यम से पौधे कैसे प्रवर्धित करते हैं, दो विधियां डिस्कस कर चुके थे। आज थर्ड मेथड है, वो है उपरोपण या ग्राफ्टिंग। ये पढ़ा उपरोपण या ग्राफ्टिंग। उपरोपण या ग्राफ्टिंग में क्या होता है, आप इसमें दो भाग लिए जाते पादप के, कितने भाग, दो। एक होता है मूल व्रंत और दूसरी होती है शांकुर शाखा। मूल व्रंत के ऊपर शांकुर शाखा को रोपा जाता है, इसलिए इसको कहते हैं उपरोपण। रोपण का मतलब होता है रोपण करना ऊपर, किसके ऊपर, मूल व्रंत के ऊपर। तो आपको एक डायग्रामेटिक तरीके से मैं आपको बताता हूं कि ये है कोई मूल व्रंत, मूल व्रंत, ठीक है, और इस मूल व्रंत है, ये मूल व्रंत होता है फिक्स, ठीक है, ये फिक्स होता है। अब इस मूल व्रंत के ऊपर कोई भी अपन ऐसी की ऐसी लेंगे शांकु शाखा। अब इसमें मूल व्रंत में कैसा कट है, वी कट है, तो ऐसा का ऐसा कट अपन शांकुर शाखा में लगाएंगे। तो मान लो ये आपकी शांकुर शाखा है ऐसे, ठीक है, ये आपने ले ली शांकुर शाखा। इस शांकुर शाखा को अब आप इस मूल व्रंत के अंदर क्या कर देंगे, डाल देंगे, डाल दिया ये, आगे बात समझ में। अब आपने ये मूल व्रंत था, मूल व्रंत के ऊपर शांकुर शाखा को क्या कर लिया आपने, डाल दिया। अब इसमें आती है कलम पट्टियां, आती है रोपण पट्टियां आती है, उस रोपण पट्टियों की सहायता से इस भाग को अपन यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ रोपण पट्टियां कर ली, और रोपण पट्टियां करने के बाद इसको सुतेली से या किसी भी सहायता से यहाँ से क्या कर दिया जाता है, टाइटली से बांध दिया जाता है। जैसे ही बांध देंगे तो कुछ समय के बाद अपन क्या, मूल व्रंत क्या करेगा, मूल व्रंत और शांकुर शाखा दोनों का ऐदा या कैम्बियम आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जैसे ही ऐदा या कैम्बियम जुड़ जाता है, फलस्वरूप इस शांकुर शाखा से नए प्रकार के प्रवर्ध निकलने क्या होते हैं, शुरू होते हैं, और नए प्रकार के फुटान आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये नए प्रकार के
फुटाने और नए प्रकार के फुटान निकल के एक नया पौधा प्रवर्धित किया जाता है। तो इस प्रकार से उपरोपण मूल व्रंथ के ऊपर शांकुर शाखा का रोपण करना उपरोपण या ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया में पादप के दो भाग लिए जाते हैं, वन इस मूल व्रंथ जिसको रूट स्टॉक कहते हैं और दूसरी होती है शांकुर शाखा जिसका मूल व्रंथ के ऊपर रोपण किया जाता है। ठीक है, तो ये है ग्राफ्टिंग का सिंपल अर्थ। प्रवर्धन की इस विधि में पौधा साधारणतः दो भागों में से मिलकर बनता है, एक मूल व्रंथ जो बीजू तथा निम्न श्रेणी का होता है तथा इसके ऊपर जोड़े जाने वाला दूसरा भाग उच्च श्रेणी का मात्र या पैतृक गुणों का शांकु शाखा होती है। ऐसी सभी विधियां जिसमें मूल व्रंथ व शांकुर डाली जोड़कर नया पौधा तैयार किया जाता है उपरोपण या ग्राफ्टिंग कहलाता है। या शांकुर एक कली के रूप में भी अपन प्रयोग कर सकते हैं जिसे कली का यान या बडिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब ग्राफ्टिंग का एक दूसरा तरीका है कि यहाँ पर आपने क्या लिया, जैसे कि यह आपका कोई मूल व्रंथ था, ठीक है, इस मूल व्रंथ की आपने यहाँ से इतनी सी छाल को क्या कर लिया, हटा दिया, क्या कर दिया, इतनी सी छाल को आपने हटा दिया और हटाने के बाद आपने इस जगह पर किसी पादप की जो कली का है, क्या है, पादप भाग की जो कली का है, ये जैसे कि बड था, ठीक है, तो इस बड को यहाँ से लेकर के आपने इसके अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इतना सा बड खुला रखोगे और इतने इतने भाग को बड को खुला रखते हुए इसको टाइटली से बांध रखोगे तो यहाँ से फिर नए प्रकार के फूटा निकल कर एक नया पौधा प्रवर्धित होता है, तो जिसे कलिकायान या बडिंग के नाम से जाना जाता है। ये रहा, यहाँ एक कली के रूप में प्रयोग करने पर कली का यान या बडिंग कहते हैं। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर शांकुर एक कली या फिर बड के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसे कली का यान के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं ग्राफ्टिंग के प्रकार, ग्राफ्टिंग के प्रकार, और ग्राफ्टिंग है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है अटैच ग्राफ्टिंग और दूसरी होती है डिटैच ग्राफ्टिंग। अटैच और डिटैच से क्या मतलब है, अटैच ग्राफ्टिंग का मतलब हुआ कि जिसमें मूल व्रंथ को पैतृक या मात्र वृक्ष की शाखा के पास ले जाते हैं तथा शांकुर शाखा को मात्र या पैतृक वृक्ष से अलग नहीं करते जब तक रोपण ठीक से संपन्न नहीं हो पाता है, इसे कहते हैं अटैच ग्राफ्टिंग। यानी कि जो पैतृक या मात्रक वृक्ष की शाखा है उनको मूल व्रंथ से तब तक अलग नहीं करते हैं जब तक उससे रोपण की प्रक्रिया ठीक तरीके से संपन्न नहीं हो जाती, इसे अटैच या वेट कलम के नाम से जाना जाता है। इसका डायग्राम यह आपको दिखाई दे रहा है, अटैच ग्राफ्टिंग। दूसरा है डिटैच ग्राफ्टिंग। डिटैच ग्राफ्टिंग इसमें मात्र या पैतृक पौधे की शांकुर शाखा को नर्सरी में तैयार मूल व्रंथ पर है वो रोपण किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो नर्सरी में प्लांट तैयार किया गया है, जिस मूल व्रंथ को तैयार किया गया है उस मूल व्रंथ के ऊपर बाहर से लाकर के शांकुर शाखा का रोपण है वो किया जाता है। ये डिटैच ग्राफ्टिंग है वो अलग अलग प्रकार की होती है। फर्स्ट इज साधारण ग्राफ्टिंग, सिंपल ग्राफ्टिंग जिसे कहते हैं, इसे सिंपल ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, जहाँ समान मोटाई के मूल व्रंथ व शांकुर को विपरीत दिशा में 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई से
ढलानदार कटाव बनाते हैं और रोपण पट्टियों की सहायता से बांध देते हैं। तो ये है आपका साधारण ग्राफ्टिंग। साधारण ग्राफ्टिंग में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा तरीका है कि एक आपका ये मूल वृंत था, ठीक है, इस मूल वृंत के ऊपर इन्होंने इस प्रकार का ढलान का काट कर दिया। दूसरी आपकी शांकुर शाखा थी, उस शांकुर शाखा में भी ऐसा का ऐसा ढलान दे करके इनके साथ इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। यहाँ पर आती है रोपण पट्टियाँ, और रोपण पट्टियाँ से यहाँ से इसको बांध करके इसके चारों ओर गोबर और इत्यादि का लेपन करके तैयार की जाती है। तो ये हो जाती है आपकी सिंपल ग्राफ्टिंग। दूसरी है जीवी ग्राफ्टिंग। जीवी ग्राफ्टिंग ये साधारण विधि है। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है ऊपर वाली जो ये है, ये पूरी की पूरी डिटेच में ए बी और सी, ये तीनों ही प्रकार की जो ग्राफ्टिंग है, ए है साधारण ग्राफ्टिंग है और बी है वो आपके जीबी ग्राफ्टिंग है। जीबी मतलब जीब के आकार की कट है वो डाल करके इसमें तैयार किया जाता है नया पौधा। तो ये है जीबी ग्राफ्टिंग। ये विधि साधारण ग्राफ्टिंग की जैसी ही है, लेकिन इस विधि में साधारण ग्राफ्टिंग के लिए कटान तैयार करने के बाद मूल वृंत के ऊपर से नीचे की ओर तथा शांकुर डाली में नीचे से ऊपर की ओर जुआ आकार का कटान बनाकर दोनों को आपस में फंसाकर बांध दिया जाता है, जैसा कि यहाँ इसमें आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी है वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग ये बड़ी, ये है वीनियर ग्राफ्टिंग, और वीनियर ग्राफ्टिंग विधि के माध्यम से आम में परिवर्धन किया जाता है। तो आम में परिवर्धन की सबसे उत्तम विधि है वो है वीनियर ग्राफ्टिंग। दूसरी है वेज या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। ये पढ़े, ये वेज ए और बी सी तीनों वाले भाग हैं, ये आपकी वेज ग्राफ्टिंग है। वेज ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक होता है मूल वृंत, ठीक है, ये रहा आपका मूल वृंत। मूल वृंत में वी आकार का लगाते हैं कट, वी आकार का लगाते हैं कट, और दूसरी होती है शांकुर शाखा। उस शांकुर शाखा में भी ऐसा के ऐसा कट लगा करके इस दोनों को आपस में फंसा दिया जाता है और रोपण पट्टियों के साथ इस बांध करके मासिस ब्रायोफाइटा की सहायता से इसका लेपन करके एनवायरनमेंट को नम कर लिया जाता ताकि नया प्लांट है वो जल्दी जल्दी विकसित हो सके। ये है वेज ग्राफ्टिंग। ये पढ़े, ये वेज ग्राफ्टिंग। इस विधि में मूल वृंत को भूमि से 22 सेंटीमीटर ऊपर से काट देते हैं, शीर्ष के स्थान पर अंग्रेजी के शब्द वी आकार का लगभग 4-5 सेंटीमीटर गहरा कट बनाते हैं। शांकुर डाली के निकट सिरे पर मूल वृंत के वी आकार में लगाने योग्य वेज बनाकर मूल वृंत के कटान में फंसाकर अच्छे प्रकार से बांध दिया जाता है। ऐसा करने शाखाओं की जड़ें निकल कर पौधा तैयार हो जाता है। उस समय इनको पौधों के समीप से काट कर स्वतंत्र पौधे के रूप में रोपण कर देते हैं। इस विधि को स्टूलिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसा काम सेब अमरूद और लीची के फल वृक्षों में किया जाता है। दूसरा है वायुदाब या गूंटी बांधना। वायुदाब या गूंटी येरी, वायुदाब या गूंटी ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा यहाँ से लगा कर, ये इसको कहते हैं वायु दाब या गूंटी बांधना। फल वृक्ष जैसे नींबू लीची अनार अमरूद आदि के प्रवर्धन हेतु दाब की ये विधि सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। ऐसी शाखाएं जो भूमि से अधिक ऊंचाई पर होती है उन पर ये विधि अपनाई जाती है। इस विधि को मार्कोटेज चाइनीज लेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में चेन की गई शाखा को साधारण दाब की तरह ही काम में लिया जाता है, और वायु दाब नाम से स्पष्ट है, वायु के अंदर ही शाखा को तैयार करके जड़ें विकसित करके पादप भाग से काट करके इसको अलग करने की जो मेथड है वो है वायु दाब या गूंटी बांधना। दूसरा है एपिकोटिन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। विधि भी अपन आम में करते हैं, ये रही एपिकोटाइल,
ये मेथड है एपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग आम में है। अगली है मृदु कास्ट ग्राफ्टिंग, उसमें भी सेम तरीका है, कट लगा करके दोनों को जोड़ना है। और तीसरा है वो है सेतु उपरोपण ब्रिज ग्राफ्टिंग। ब्रिज का मतलब आप जानते ही हैं, जिसमें सेब नाशपति और इनमें सेब नाशपति अखरोट जैसे पादपों में सेतु ब्रिज ग्राफ्टिंग के माध्यम से नए प्रकार के पौधे को प्रवर्धित किया जाता है। दूसरी है दोहरी कलम बांधना या उपरोपण डबल ग्राफ्टिंग के नाम से भी जिसे जाना जाता है, वो है डबल ग्राफ्टिंग। तो डबल ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि जब मूल वृंत और शांकुर के बीच इंटरमीडिएट रूट स्टॉक का प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रथम मिलान मूल वृंत और मध्यस्थ मूल वृंत, दूसरा मध्यस्थ मूल वृंत और शांकुर के बीच होता है। इस उपरोपण का उपयोग विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु करते हैं, जैसे मुख्य पौधों की वृद्धि नियंत्रण, शांकुर में जैविक एवं अजैविक तनावों को सहन करने की क्षमता बढ़ाने व शांकुर व मूल वृंत के मध्य अनुकूलता को बिठाने जैसे कार्य को संपादित करने के लिए ये डबल ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये थी ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट में पढ़ेंगे बडिंग। बडिंग है वो किस प्रकार से की जाती है, और उनके बाद पढ़ेंगे पादप पृथक संवर्धन के साथ ही ये टॉपिक पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू।